No. Already said, please. Mulam Singh ji. उपाध्यक्ष जी महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बहस महत्वपूर्ण है। अब ये है महत्वपूर्ण बनाना सरकार के अधिकार में। सरकार ने केवल वायदे पूरे किए हो चुनाव वाले तो देश संपन्न हो जाता। क्या कहा था कि साधारण परिवार के लोगों को 15 लाख कर देंगे और 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। और उसके बाद कई अब क्या अवगना द्वारा एक बार कह भी चुके द्वारा, लेकिन ये सहमत हैं, आज बोल नहीं सकते हैं सत्ता पक्ष, लेकिन अकेले जब बात होती तो स्वीकार करते हैं। उपाध्याय जी, आज कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, 2 साल पहले बोल चुके, 3 साल पहले, केवल किसान और व्यापारी और नौजवान 3 को सुविधा दे दे संपन्न हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। किसान की पैदावार की लागत है और आपकी कहा तो हम देंगे जोड़ा किसान, सारे मैं इसीलिए कह रहा हूँ, सारे धंधे व्यापार के जितने भी समय मुनाफा और किसान को घाटा, किसान की सिंचाई और आपको खाद से लेकर के वो भी आपको क्या पता है सब महंगी हो गई, और किसान की पैदावार का वो जो लागत मूल है जो जोड़े का अभी फिर कहा है जोड़ा देंगे प्रधानमंत्री जी ने, ये मुझे खुशी होगी कि आज अनाउंस कर देंगे जोड़ा देंगे के साहब में। तो ये है सबसे ज़्यादा वही कहता रहे, मैं कई उदाहरण भी किया था अमेरिका का, अमेरिका बहुत गरीब देश था शुरुआत में, तो सबसे बात उसने किसानों को अवसर दिया और किसान की पैदावार का घाटा नहीं होने दिया। अगर ज़्यादा पैदावार होगी तो समुद्र फेंकवा दिया गेहूँ, लेकिन किसान को घाटा नहीं होने दिया। आज सारा काम घाटा किसान को ही है, खाद भी महंगी है, बीज भी महंगा है, पानी भी महंगा है, सिंचाई महंगी हो गई, ट्यूबवेल की भी सिंचाई सरकारी की भी महंगी हो गई। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सब जानते हुए बैठे हैं हमारे सभी किसानों के परिवार हो जाता है, किसान संपन्न होगा तो देश संपन्न होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, जो बेरोजगार हैं उनको मौका मिलेगा तो देश संपन्न होगा। अब साथ साथ में मैं देख रहा हूँ कि अब आई जी खबर के 2 करोड़ पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं, 2 करोड़, अब बताइए कैसे संपन्न हो जाए 2 करोड़ बेरोजगार हैं, और उनको सभी कोशिश करें तो फिर वो बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। मैंने करके दिखाया, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो सचिवालय में वो अपने ही अधिकारी अपने लोग रख लेते थे, हमने शक्ति की और शक्ति करके और मैं कम से कम 3,000 लेके 5,000 फोर्थ क्लास से लेके और आगे बड़े पद पर भी मिला करके इतने रोजगार लोगों को काम दिया, नौकरी दी, पता होगा आपको तो सब। इसके अलावा किसान की खेत का लागत मूल है उसको भी कर दिया, बुलाया मैंने सब व्यापारी को बुलाया,
व्यापारियों से कहा कि भाई हम दो ही को चाहते हैं जी, और तीन व्यापारी, किसान और बेवा नौजवान, तीन समस्या हल कर दो, तीनों की जी संपन्न हो। अब व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, और सरकार ने रोजगार बेरोजगारों को कोई काम नौकरी नहीं दी, पता नहीं क्या हो गया। हमने 6 लाख लोगों को दी थी, तो ये सी पुलिस होमगार्ड से लेकर सब ला के 6 लाख को बेरोजगारों को नौकरी दी। आज सब लगे हुए सचिवालय में हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं है, प्रमोशन पा गए। उसके बाद सरकार हमारी चली गई, वहाँ भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, लगाइए पता उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है। परेशानी है, सब परेशान है, किसान भी, नौजवान भी, और आपके व्यापारी भी, सब परेशान। अब जब देश को बनाना चाहते हो संपन्न, तो बार बार हम इस बात को सदन में रख चुके, पहले रख चुके थे काफ़ी दिन पहले, तो कुछ करने की कोशिश की। लेकिन उत्तर प्रदेश की उस समय की सरकार जो थी, भले ही बीजेपी की थी, उन्होंने थोड़ा बहुत हमारी बात मानी और मान के कुछ काम किया। अब ऐसी सरकार आ गई तो पता ही चल रहा होगा कैसी सरकार है, अच्छी तरह पता चल रहा होगा। कोई ऐसा नहीं है जो दुखी हो, बीजेपी के लोग दुखी हैं, नाम नहीं लेंगे ना, हम अकेले बता दें, इतने दुखी तो रो पड़े कि सरकार कहते हम तो बर्बाद हो गए। हाँ बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के लोग। अब हम तो हैं विपक्ष के लोग, चलो ठीक है, लेकिन जिनका सत्ता में है, जो सत्ता उन्होंने बनाई है और इतना वादे किए, जो कहा प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपया देंगे साधारण नागरिकों को, 2 करोड़ को बुजुर्गों को रोजगार देंगे, अब क्या क्या गिना कितने कहा था, एक भी काम नहीं किया। क्योंकि अब सरकार, अब सत्ता में जाएंगे तो पूछेंगे लोग, निश्चित पूछेंगे। अब जागरूक भी किसान भी है, नौजवान भी है, व्यापारी भी है, और सबसे ज़्यादा घाटे में चला गया व्यापारी और किसान, बिल्कुल बर्बाद हो गया किसान और व्यापारी। तो आज मैं फिर दोहराना चाहता हूँ अपने साथियों से कि आप दबाव दीजिए प्रधानमंत्री पर, हम तो कह चुके हैं, मिलके कह चुके हैं, उन्होंने ना तो नहीं किया, ने किया नहीं अभी कुछ, ना किया नहीं। अब स्थिति ये सरकार ना करती नहीं जो कब करती थी, तो इसका क्या बना, यहाँ तो ना कर दो तो हम गुजारू चला कहें कहें तो हम कहेंगे मिल के आए ना, उन्होंने हाँ कर दिया, कह दिया पैसे भी कह दिया। तो आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो हमने किया था उसको फिर लागू किया ही नहीं। अब ये बैठे हैं रघुशर चंद सिंह जी मेरे साथ थे, सिंचाई मुफ्त की, पढ़ाई मुफ्त की, दवाई मुफ्त की, बीमार को अगर विदेश में जाना पड़ा तो विदेश में खर्चा दे दिया, क्योंकि पैसे के अभाव में बीमार की जान चली जाए ये हम नहीं सोच सकते। तो आज पैसे के अभाव में वो तो हो रहा है, अभी दवाई तो पढ़ाई है मुफ्त जो हम करके आए वो तो है, वो मजबूरी है, चल रहा है, लेकिन और सुविधा नहीं दी गई, और सुविधा में कटौती की गई है, और चतुराई से की सरकार चलाई जाती है कि जनता जाना नहीं, उस पिछले में तो सुविधाएं दी थी, थोड़ी थोड़ी कटौती कर दो। अब क्यों तरीका अपनाया था सरकार, तो वो आप जान सकते तरीका अपनाया, ये सही है कि अभाव है, ये हम मानते हैं अभाव है, पैसे का अभाव है यूपी में, ये सही है, मुख्यमंत्री अब कोई क्या कर सकता। लेकिन जब इतना बड़ा प्रदेश है, 1/6 है देश का हिस्सा, वो संपन्न हो जाए तो हिंदुस्तान संपन्न हो ही जाए, तो वैसे सुविधा भी कोई देना चाहिए, और किसान को सब देश भर में देना चाहिए, बेरोजगार नौजवान को देश भर में देना चाहिए, ये दो ही काम करते हैं, और इनका बेचने का इंतजाम करते हैं। अब व्यापारी जो है वो तो समझ गए होंगे कि अब नहीं खरीद पाता, हमें कुछ है ही नहीं,
आपको पता लगा दिया लखनऊ में बैठ के व्यापारियों को, सभापति जी किसानों को व्यापारी को बुला के पूछिए, आपसे कुछ लोग तो आंसू डाल जाए, ये हालत खराब है व्यापारियों की, तो व्यापारी की हालत है तो किसान को कैसे खरीद करेंगे, वो असर किसानों में पड़ता है। और मैंने आपको पहले उदाहरण दिया था कि अमेरिका में सबसे पहले किसान को सुविधा दी और ज़्यादा पैदावार बढ़ा दी और खरीद नहीं हुई, समुद्र में फेंकवा दिया लेकिन किसान को घाटा नहीं बन गया, तब अमेरिका आगे पहुंचा, सबसे पहले किसान की सुविधा देने का और किसानों को प्राथमिकता दी है अमेरिका ने, उसकी बदौलत हिंदुस्तान का दुनिया में संपन्न हो गया देश। तो आज फिर दोहराना चाहते बहुत तो चुके हैं, अब लेकिन प्रधानमंत्री से व्यक्ति रूप से तो कह ही चुके, तो उनका ज़्यादा हम लोग करना भी नहीं चाहते, कह चुके हैं ना किया नहीं, हाँ किया है, अब वादा किया है करेंगे, अब करेंगे तो तभी हम उनको बधाई भी दे देंगे कि कब करेंगे करेंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं आपसे कि एक तो किसान और नौजवान को रोज़गार ये देना चाहिए। अब ये जो आपको पता है कि पूरे देश में कुछ नहीं हो रहा है, हमने सिंचाई मुफ्त की, पढ़ाई मुफ्त की, दवाई मुफ्त की, 1650 करोड़ भूमि विकास बैंक का कर्जा माफ़ किया, वही सबसे ज़्यादा जमीन नीलाम करा देते थे और बड़े लोग उनको रुपया देते रहते थे और फिर जब वो नहीं दे पाते तो ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज जमीन। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, मथुरा का किसान गया, हमारी सरकार थी, अखिलेश की सरकार थी, हमारी भी तो ब्याज दूसरा था, उतना रावसगंज का, तो उसने कहा कि हमारी जमीन नीलाम हो गई, मैंने कितना कर्जा था, कर्जा 5,000 था, कितना कर दिया, 70,000 कर दिया, और जमीन नीलाम कर दी, भूमि विकास बैंक का कर्जा था, तो जमीन नीलाम हो गई। आप पता लगा दिया, सभापति आपको पता होगा, वो रुपया हमने किसानों पर कर्जा करके भूमि विकास बैंक को दे दिया, लेकिन किसान की जमीन नीलाम नहीं होनी थी। तो जो हम गया सभा करने सादाबाद में, सो खड़ा हो गया पीछे चलने लगा, वो हमारे माफी बोल रहा था, मैंने कहा निकालो उससे, भाई सभा कर रहा है, तो बोले नहीं नहीं साहब, आपकी तारीफ कर रहा है, भगवान आगे मेरी जमीन बचा दी। तो किसान को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, व्यापारी को सुविधा देनी पड़ेगी और नौजवानों को रोजगार देना पड़ेगा। और इसके लिए क्या और क्या हम लोग बोले, ये नहीं कह सकते, हमारे गृहमंत्री जी बैठे हुए हैं, हम बोल आए थे मिर्ज़ापुर, हमें जवाब दिया था हमें उसके अखबार के बाद से कि ये पढ़ाई कैसे मुफ्त कर देंगे, ये बाद में कर लेना बात, पढ़ाई मुफ्त कैसे कर देंगे, दवाई मुफ्त कैसे कर देंगे, सिंचाई मुफ्त कैसे कर देंगे, गुलाब सिंह कह गए, हम मिर्ज़ापुर में कहा, तो मैंने जब कर दिया तो हम क्या पूछे नहीं आएंगे, तो पूछे नहीं आए, लेकिन इनका व्यवहार सही था, किसानों के लिए कर भर ही नहीं पा रहे हूँ धन के अभाव में, लेकिन किसानों से संबंध भाषण भी दिया अच्छी तरह हाउस के अंदर, वो पैसे भी उन्होंने समझा कुछ दे सकते होती थी। अब इसके बाद किसानों क्या हुआ, अब किसानों का क्या हुआ, आपके मुख्यमंत्री हैं उनकी कोई हम आलोचना नहीं करना चाहते, क्या कर रहे हैं बता दो, क्या कर रहे हैं कोई पता नहीं क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार में बैठे लोगों पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, ये हालत आज है। इसे हम कहना चाहते हैं कि बार बार नहीं, हम बता चुके हैं कि भाई किसी तरह से आप किसान को और नौजवानों को रोज़गार दो, अभी फिर नहीं आया कुछ, आप ही करिए कुछ, कैबिनेट में बताए कितने नौजवानों को रोज़गार देगी, रोजगार दें रोजगार जो घूम रहे, अब 2 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है जो बेरोजगारों को नौकरी मांग रहे हैं, तो बता दिए
दो करोड़ जो नौजवान बेरोजगार है तो क्या संपन्न हो जाएगा? नहीं हो सकता संपन्न। लेकिन ये सही है कि सबसे ज़्यादा मेहनती किसान हिंदुस्तान का है और विशेषकर उत्तर प्रदेश का, उसने अपनी हालत को सुधारा है कुछ मेहनत से, हमारा आपके कुछ सहयोग से। अब ये नहीं कहेंगे कि आपने नहीं सहयोग किया, थोड़ा आपने भी सहयोग किया, हमने आग्रह किया, बहुत तो किया है। तो इसलिए जो बहस हो रही है तो ये बहस में किसान कोई बोल ही नहीं रहा तो बेरोजगार नौजवानों के लिए क्या करेंगे? कुछ तो आज वायदा कीजिए। नहीं, मैं हाँ किसानों को और बेरोजगार नौजवानों को आप करिए, और शिक्षा के मामले, स्वास्थ्य के मामले में प्राथमिकता दीजिए। स्वास्थ्य और शिक्षा है ना, अगर स्वास्थ्य अच्छा है और शिक्षित है देश का नागरिक, वही देश संपन्न है, वही अमेरिका है। अमेरिका उदाहरण लीजिए, अमेरिका ने समुद्र फेंकवाया था एक बार गेहूँ, लेकिन किसानों को घाटा नहीं होना। तो अमेरिका ने किसान और शिक्षित नौजवान को प्राथमिकता दी, उसी परिणाम से निकल के आगे। और आपके यहाँ सबसे मेहनती किसान है और सबसे बढ़िया उपजाऊ जमीन है हिंदुस्तान के अंदर, इतनी और देशों में नहीं है। उपजाऊ जमीन जितनी आपके देश में है, उर्वरा भूमि है और पानी है, इतना सब कुछ है। लेकिन उसके बाद क्या कहता है, किसान बहुत अब परेशान है, नौजवान बहुत परेशान है। अब आपकी सरकार यूपी में थी, नौजवानों को नहीं दी रोजगार, व्यापारियों को सुविधा नहीं दी। तो मैं कह रहा हूँ नौजवान व्यापारी है, इनको सुविधा दो, किसान और किसी की जरूरत नहीं चाहिए, सबको दो, तो इनको प्राथमिकता का आधार तब ये संपन्न हो जाए। तो ये सब बैठे किसान के घरों तक आए हैं, 80% तो किसानों से संबंधित होंगे। अभी इस समय कितना लेंगे? 80% मुलायम सिंह जी, उन्हें क्यों भूल गए? किसानों को क्यों भूल गए? समय आपसे तो हमारी बात होती रहती है, इसीलिए मैंने कहा समय सीमा आपने भी नहीं से ज्यादा हो गया, इसलिए मैंने कहा। हम ऐसा नहीं कहेंगे, हमारी राजनाथ सिंह जो गृहमंत्री हैं, मेरी अपील पर कुछ सुधार दी थी और हमारी बात को मान लिया था, और मानने के बाद हम मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो माना। आपने विरोध कभी नहीं किया, हाँ किया, ये किया कुछ नहीं ये सही है, आपने किया है कुछ, हम गलत नहीं कहेंगे, आपने किया है किसान। वो मुख्यमंत्री थे ना, इसलिए तो इसलिए हम कह रहे हैं, इतनी बहस जो हो रही है ये देश को संपन्न बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए हो रही है। तो तीन बार से मान लो ज़्यादा न मान पाओ, किसान व्यापारी और नौजवान बेरोजगार नौजवान, इनको सुविधा दे दीजिए और इनको सुविधा देने से देश संपन्न हो जाएगा। इतना मेहनती किसान कहीं करेंगे? भाईचारा जितना मेहनती यहाँ पर है और यहाँ पर भाईचारा बहुत जरूरी आप जो है इसमें बहुत कोशिश की कुछ लोगों ने, नाम नहीं लेंगे, आप जानते हो आपको बैठा होगा, लेकिन उसके बावजूद ही जनता ने भेदभाव नहीं रखा, जात पात का धर्म के नाम के आधार पर अभी तक जो बहुत कोशिश की गई तब भी ये चल नहीं पाया। उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध की धरती है, राम की धरती है, किसी की धरती है, और धुरिया जी ने क्या कहा था, क्या कहा था, पिछड़े पाव में शॉर्ट साथ। हाँ, पिछले पाव में सौ में साठ ये कहा, और क्या लोहिया जी बैकवर्ड के थे, वो तो ऊँची जात के थे, अग्रवाल थे उनके पिताजी, उन्होंने जात नहीं बताई किसी को, जात रखी नहीं, ये ऊँची जात के थे। और आज भी मुझे खुशी है कि लोहिया जी का नाम सदन में और बाहर प्रधानमंत्री लिया है, यह है। समय समय का ध्यान रखे, तो समय में कुछ आया है, काफी हो गया आया है इस समय काफी हो गया है आपका, जब इच्छा में रुकावट कौन कौन है उसको सोचे आप लोग नहीं ये सच है,
इच्छा तो है, गृहमंत्री जी की इच्छा है, आपकी भी हो सकती है, हमारा विरोध कभी किया नहीं। अब समय समय हो गया है, आपने अपनी बात रख ली। बीजेपी की नहीं है, बीजेपी के काफ़ी लोग हैं जो चिंतित हैं और जो चुनाव आ रहा है उसमें चिंतित हैं। उसका उदाहरण आपके सामने है, 3 सीटें लोकसभा के लड़े और देखिए कहाँ लड़े, मुख्यमंत्री का क्षेत्र गोरखपुर, डिप्टी मुख्यमंत्री का फूलपुर इलाहाबाद और तीसरा ये कैराना, यहाँ तो सब कुछ, और तीनों सीट समाजवादी जीत गई, लोकसभा की तीनों सीट गई। तो ये हाँ आपके लोग कुछ हैं, हमसे बात की कैसे हमारी पार्टी को सीखना चाहिए कि हमारा सत्ता पक्ष होते हुए सब कुछ होते हुए और तीनों सीटें समाजवादी पार्टी लेकर दूसरा की क्यों ले गई, कि पुरानी बातें उनको याद आई और सोचा कि ये सरकार आती है मजबूत पार्टी होती तो हमें सुधार। ये तो है संदेश, लेकिन दिक्कत यह है कि कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जात के नाम पर, इसमें बुरा मत मानिए, आपके कुछ लोग बड़े होशियार हैं, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं कहीं किसी के नाम पर, अब वो बताएंगे तो ही समझ लो वो मामला थोड़ा ख़राब कर देते हैं। मुलायम सिंह जी ज़्यादा समय हो गया, उसमें ख़राब कर देते हैं, समय हो गया काफ़ी है, काफ़ी समय हो गया, इसलिए समय हो गया। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सभी से मिलकर, हम उसमें साथ हैं, आप साथ हैं, मीटिंग बुला लो सब नेताओं की, उत्तर जी माननीय गृहमंत्री जी, हम किसान को, नौजवान को, व्यापारियों के बारे में आपकी क्या राय है, आप व्यापारी कितना परेशान है आप पता लगाइए, व्यापारी रो रहा है, ये आप कह चुके हैं, व्यापारी खड़ी के चल, अगर आपको राय देनी हो आप हो तो हम उसमें सहयोग कर सकते और कुछ ऐसी राय दे सकते जो आप मानेंगे उस पर चलेंगे, इतनी हम कहना चाहता, आप इजाज़त नहीं सभापति से।